हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सरन ब्रदर्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके SMD की एलिमेंट जल्दी ख़राब हो रहे हों या फिर जल्दी से फुगे आ रहे हों या वोल्टेज SMD के जो उस पर एलिमेंट पे वोल्टेज पड़ते हैं वो कम ज़्यादा ना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम जिस पार्ट से आती है मैं आपको वो पार्ट्स चेंज करके दिखाऊंगा और कैसे ठीक हो सक SMD उसको भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको SMD मैं आपको ट्रांजिस्टर चेंज करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी SMD में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये एलिमेंट मेन प्रॉब्लम मेरी ये है कि ये एलिमेंट को अभी जल्दी से ख़राब कर रही है। वैसे ही मैं नया एलिमेंट डालता हूँ तो ये थोड़ी देर चलने के बाद वो एलिमेंट ख़राब हो रहा है। तो बेशक इसका ट्रांजिस्टर मुझे नया लग रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं इस ट्रांजिस्टर को चेंज करूँगा, जिससे कि मेरी जो एलिमेंट ख़राब हो रहे हैं वो एलिमेंट ख़राब ना हो। तो अभी मैं ट्रांजिस्टर को चेंज करके दूसरा डाल दूँगा। दोस्तों, जब भी आपके हीटर की साइड से कोई सी भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि आपका SMD का एलिमेंट फुकरा हो, नंबर दो आपका जो हीटर की लाइट ना जली हो, या फिर आपकी ये जो ट्रांजिस्टर है इसे मैं इसका एंड वीडियो फोटो एंड में डाल दूंगा, तो इस ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, अभी ये मेरे वोल्टेज सेट मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो ये मुझे पता है कि ये ट्रांजिस्टर की वजह से होता है, इसीलिए मैं इस ट्रांजिस्टर को बदल के ये दूसरा वाला ट्रांजिस्टर इसमें डाल देता हूँ। ट्रांजिस्टर डालने से इसकी वोल्टेज कम ज़्यादा होने लगेंगे तो ये ठीक हो जाएगा और मेरे एलिमेंट भी जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम आए हीटर वाली साइड से, तो आपको बस कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है। ये मैं इसमें ये मैंने इसका दूसरा ट्रांजिस्टर बदल दिया। अब मैं इसमें अपने वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं तो मेरा एलिमेंट नहीं फूकेगा, और यदि वोल्टेज में अभी भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता तो मैं इसको आपको वोल्टेज जब मैंने शुरू में देखा था तो इसमें डायरेक्ट 300 वोल्टेज आ रहे थे, वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से ये एलिमेंट मेरे सारे एलिमेंट जल के ख़राब हो रहे थे। तो इसको अब मैं चेक करता हूँ, वोल्टेज दे रहा हूँ जिससे कि आपको भी दिखाई दे। ये चेक करके दिखाऊंगा, वोल्टेज यदि कम ज़्यादा होते हैं तो अब एलिमेंट नहीं ख़राब होगा। तो अभी मैं इसका स्विच लगा के ये इसका स्विच लगा दिया। हाँ, इसे चेक करता हूँ अभी, ये कम ज़्यादा होते हैं। यस, देखिए ऐसे ही मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो रहा है। ताकि अब मैं इसे जब मैंने शुरू में ख़राब जब इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था तब मैंने इसमें चेक कर रहा था, तो कम ज़्यादा करने पर भी 300 ही वोल्टेज हो रहे थे, कम ज़्यादा नहीं हो रहे थे। अब मैं इसे लगा के अभी देखो 270 दिखा रहा है। अभी मैं इसे बढ़ाऊंगा, देखो 300,
ये देखो शुरू में है 270, 200, 300, 360। देखो जैसे ही मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसका मतलब अब इसे मैं, अब मेरा एलिमेंट नहीं ख़राब होगा। तो इस तरीके से आपके ये एलिमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि ये आपका इस साइड से हीटर वाली साइड से कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको सबसे पहले एसएमडी का ट्रांजिस्टर चेंज करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम एसएमडी में सिर्फ इस तरह से आती है। और मैं एंड में आपको ट्रांजिस्टर का फ़ोटो दिखा दूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगी कि कौन सा ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो ये होता है ट्रांजिस्टर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो देखो ये होता है ट्रांजिस्टर। एक मिनट, यह है इसका ट्रांजिस्टर, इसे आपको चेंज करके देख लेना है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक हो जाए, सही हो जाए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।